रोशनी से जगमगा रही राधा कृष्ण की तस्वीरें, खूबसूरत साज सजावट, ढेर सारे गिफ्ट और दीवार पर लगी पीएमसीएम की फोटो। लाइटों से चमचमाता ये आशियाना उसी का है जो पाकिस्तान से अपना आशियाना छोड़कर भारत आई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हसीना सीमा हैदर की, जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती है। एक बार फिर उन्होंने चर्चा बटोर ली है। चर्चा की वजह है सीमा का नया घर। दरअसल सीमा हैदर और सचिन मीणा ने ग्रेटर नोएडा में अपना घर रेनोवेट किया है। पहले उनके पास एक ही कमरा था जिसमें पूरा परिवार साथ रहता था, लेकिन अब उस कमरे के साथ ही नया कमरा बनवा दिया है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनके वकील एनपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जो उनके मुंह बोले भाई भी हैं। इस दौरान सीमा का पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया। सीमा सचिन के नए कमरे में आस्था को देखते हुए राधा कृष्ण की तस्वीरें लगी हैं। रंग बिरंगी लाइट्स और गिफ्ट से कमरे को सजाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी दीवार पर लगी तीन फोटो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके वकील एपी सिंह नजर आ रहे हैं। सीमा के मुताबिक लोगों की मदद से उन्होंने अपने इस नए घर को बनाया है, जिसके लिए वो लोगों की शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर सीमा ने अपनी ख्वाहिश भी बता दी, कहा कि वो चाहती हैं कि उनके भाई एपी सिंह संसद तक पहुंचे। पैसे की तरफ से हालात खराब थे, फिर हमारे भैया ने जैसे हमारा बैंक अकाउंट वगैरह यूट्यूब में न्यूज़ में बोला, तो उसके बाद लोगों ने हमें बहुत मदद दी। और कुछ भाई बने हैं मेरे, संदीप यादव भैया, इस तरह तीन चार बहुत और भाई, उन्होंने भी सपोर्ट करी है। तो बहुत लोगों ने हमारी हेल्प करी है, जैसे भैया ने जैसे दिया वहाँ पे न्यूज़ में, पहले दिया था हमारा अकाउंट, तो वहीं से यूट्यूब इंस्टाग्राम की फैमिली और वहीं से हमें मदद मिली है। तो उनकी बदौलत, उनका धन्यवाद कहूँगी, उनकी बदौलत हमारा ये घर बना है। बिल्कुल, एपी सिंह जी ने पाकिस्तान की बात की थी, जब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था तो इंडिया की जीत पर खुशी या पाकिस्तान की हार पर दुख हुआ था, कुछ ऐसा? बिल्कुल, हमने भारत की जीत की खुशी मनाई थी और उन्होंने बुरी हार हारी, ठीक है। तो मैं लाइव भी आई थी तब, तो मैंने पहले से मुझे विश्वास था रोहित शर्मा और विराट कोहली जी पे, और वही हुआ। मैं किसकी? विराट कोहली जी, यहाँ उनका कप भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं और हमेशा रहूँगी। मैं आपको बता दूँ, जब भी भैया मेरे पास आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, तो मुझे डबल शक्ति मिलती है, पता नहीं क्यों एनर्जी सी आ जाती है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है शायद, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरी भी इच्छा है कि मेरे भाई नई संसद में जाएं, नई संसद बने, तो ये मेरी भी इच्छा है। मैं उनके लिए प्रार्थना भी करूंगी वर्ती रह के भगवान जी से। बता दें कि 13 मई 2023 को पाकिस्तान की सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर के रास्ते से ग्रेटर नोएडा पहुंची थी, जिनको नोएडा पुलिस ने 2 जुलाई 2023 की रात को गिरफ्तार किया था। उन्हें लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 7 जुलाई 2023 को जमानत दे दी थी। फिलहाल ग्रेटर नोएडा में सचिन सीमा मीणा के नाम से अपनी नई और खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं।